Now is that the winning hit? Yes it is. Yes it is. राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का मैदान इतिहास का गवाह बना है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने वो कर डाला है जो इस लीग में आज तक नहीं हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हेड और अभिषेक ने मिलकर 166 रन का लक्ष्य सिर्फ 9.4 ओवर में चेज कर डाला। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने बल्ले से ऐसी तबाही की कि आईपीएल की रिकॉर्ड बुक पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दी। पहले ओवर में शांत रहने के बाद अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर में यश ठाकुर के खिलाफ 17 रन बटोरे। तीसरे ओवर में हेड ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का आगाज किया और कृष्णप्पा गौतम के ओवर से 22 रन बटोरे। इसके बाद तो मानो राजीव गांधी स्टेडियम पर चौको छक्कों की बारिश ही आ गई। हेड अभिषेक की जोड़ी ने 6 ओवर के पावर प्ले में ही हैदराबाद को 100 रन के पार पहुंचा दिया। हैदराबाद ने देखते ही देखते 9.4 ओवर में 166 रन का लक्ष्य चेज कर डाला। इसमें अभिषेक 75 और ट्रेविस हेड 79 रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में आज से पहले कोई भी टारगेट 10 ओवर के अंदर चेज नहीं हो सका है। साल 2008 में डेक्कन चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 155 रन के लक्ष्य को 12 ओवरों में चेज किया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास में 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हेड अभिषेक ने 9.4 ओवर में 167 रन ठोके। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एसआरएच ने ही 158 रन बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने 62 गेंदें शेष रहते हुए सफलतापूर्वक लक्ष्य को हासिल किया। गेंदों के लिहाज से आईपीएल इतिहास की ये हैदराबाद ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2022 में 57 गेंदें शेष रहते हुए टारगेट को हासिल किया था। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 8 चौके और 8 छक्कों की मदद से 79 रन और अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 75 रनों की नाबाद पारी खेली। अभिषेक ने छक्के के साथ ही मैच को खत्म भी किया। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर आ गई है। उसके 12 मैचों के बाद 7 जीत और 5 हार के साथ 14 पॉइंट्स हैं। मैच जीतने के बाद हैदराबाद का नेट रन रेट +0.406 हो गया है। वहीं लखनऊ की ये 12वें मैच में 6ठी हार रही। लखनऊ की टीम 12 पॉइंट्स और -0.769 के नेट रन रेट के साथ 6ठे स्थान पर है। इससे पहले कोलकाता के साथ खेले गए मैच में भी 98 रनों की हार ने भी लखनऊ का नेट रन रेट बेहद ख़राब कर दिया था और अब हैदराबाद से मिली इस हार ने लखनऊ की प्लेऑफ की उम्मीदों को झंझोड़ कर रख दिया है। हैदराबाद का अगला मैच 16 मई को गुजरात टाइटंस और 19 मई को पंजाब किंग्स से है। ये दोनों मुकाबले हैदराबाद की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। वहीं लखनऊ की टीम 14 मई को दिल्ली से दिल्ली में और 17 मई को मुंबई से वानखेड़े में भिड़ेगी। प्लेऑफ्स के लिए जहां हैदराबाद को बस एक और मैच जीतना है, वहीं लखनऊ को अब अपने दोनों मैच तो जीतने ही हैं, साथ ही नेट रन रेट बेहतर करने के लिए दोनों मैचों को एक बड़ी जीत में बदलना होगा, तभी प्लेऑफ के लिए उनका कोई मौका बनेगा। अभी पॉइंट टेबल का हाल बताएं तो पहले नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स 16 पॉइंट के साथ हैं, जिनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 1.453 है। वहीं दूसरे स्पॉट पर राजस्थान सेम पॉइंट के साथ है और उनका नेट रन रेट +0.476 है। आज की धमाकेदार जीत के बाद हैदराबाद तीसरे नंबर पर है 14 पॉइंट के साथ, वहीं चेन्नई 12 पॉइंट के साथ चौथे पायदान पर है। आपको क्या लगता है प्लेऑफ में कौन सी 4 टीम अपनी जगह बनाएंगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल भारतीका को भी सब्सक्राइब जरूर करें।